वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सत्य की सदा ही विजय होती है, सत्य मार्ग पर चलना कठिन है पर असंभव नहीं है। संतों, महात्माओं, वेदों और उपनिषदों ने सत्य की महिमा का गान किया है कि सत्य ही धर्म है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने में सफल हो पाता है, क्योंकि सत्य भाव में निर्विकारिता, निरहंकारिता, पवित्रता एवं शुचिता निहित होती है। महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। उनका कथन है कि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें पग पग पर परमात्मा का संबल मिलता रहता है। उनके मार्ग में बाधक बनने वाले परमात्मा के कोप का भाजन बनते हैं, क्योंकि सत्य के मार्ग पर जो चलते हैं वे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और न ही किसी का अहित करते हैं। वे सदा सबकी भलाई ही सोचते हैं और भला ही करते रहते हैं। पराचिंज सबकी भलाई में ही उनकी भलाई का भाव छुपा रहता है। वे अपने कर्तव्यों के पालन में सदा ही तत्पर रहते हैं। इसी कारण उन पर परमात्मा की कृपा दृष्टि और अनुदान वरदान सदा ही बरसते रहते हैं। सत्यवादी व्यक्ति की कथनी और करनी में भिन्नता नहीं देखी जाती है। कथनी और करनी में जहाँ भिन्नता पाई जाती है वहाँ असत्य और अधर्म ही मानना चाहिए। सत्य के दर्शन के लिए कथनी और करनी में समानता अनिवार्य है। पराचिंज धर्म के मार्ग पर चलने में कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, पर जो मन में संकल्प करके सत्य के मार्ग पर चलते हैं कठिनाइयां मात्र उनकी परीक्षा लेती हैं, कुछ अहित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को परमात्मा की शक्ति का संबल पग पग पर मिलता रहता है। उसके पग पग पर आने वाली कठिनाइयां उसे और निखारती हैं और तरह तरह की अद्भुत अनुभूति प्रदान करके मंजिल का मार्ग प्रशस्त करती रहती हैं। बादल सूर्य को ज़्यादा समय तक ढक कर नहीं रख सकते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मात्र ईश्वर सत्य है और सारा का सारा सृष्टिगत संसार नश्वर है। स्टॉप।